अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स। और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी तो पहले ये देख रहे हैं कि सेकेंडरी हीमोस्टेसिस किसे कहते हैं, ये जो प्राइमरी के बाद होती है। अब उस सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो फैक्टर्स होते हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स। वो एक इंट्रेंसिक पाथवे भी होता है और एक दूसरा एक्सट्रेंसिक पाथवे भी होता है। तो इंट्रेंसिक पाथवे जो है वो एंडोथेलियल सेल्स से एक्टिवेशन लेता है। फिर लास्ट पूरी की पूरी क्या होती है, एक्टिवेशन होती है फैक्टर 12 की, 11 की, 9 की, और फिर वो 8 के साथ मिलता है तो प्रोथ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन बनता है, पूरी सीरीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम देखेंगे उसके डिसऑर्डर्स। तो जो हमारा पहला डिसऑर्डर है सेकेंडरी हीमोसिस के हवाले से, वो है क्या, वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक पहले समझिए जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, अगर तो ये क्या है, तो जल्दी जल्दी ऐड हो जाए, ऐसे बीच बीच में आते हैं तो फिर बार बार ऐड करना पड़ता है। तो एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ये आपने पहले भी इंटर में पढ़ा हुआ है कि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है। लेकिन एमसीक्यू जो पेपर में यहाँ से आएगा वो ये आएगा, इट इज एन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, नॉट अ डोमिनेंट डिसऑर्डर। अगर तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर होता, अगर ये क्या होता, एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर होता, तो ये फीमेल्स में भी हो जाता, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम खराब होने से बीमारी होती। ठीक है, लेकिन ये जो है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक के खराब होने से फीमेल पैसा नहीं डालेगी, उसमें दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो पता ही चला यहाँ से एक बात कि इट इज एन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स हमारे पास तीन तरह की इसकी टाइप्स हैं, सामने मेंशन भी की है, देख सकते हैं आप। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। मोस्ट कॉमन जो हमारे पास है टाइप ए होती है, और दूसरी बात ये कि सबसे सीवियर भी टाइप ए होती है, जिसके अंदर बेटा फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है क्लासिकल हीमोफीलिया। आपने देखा वैसे, पर मेंशन भी हो रहा है कि एक तो ये बहुत सीवियर है, और दूसरी बात क्या लिखा हुआ है कि ये फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होता है, प्लस इसका एक और नाम क्या, क्लासिकल हीमोफीलिया। ठीक है, एक बात तो याद रखनी है, अगर मैं क्लासिफिकेशन से पहले सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के सिम्टम्स बताऊँ तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के सिम्टम्स प्राइमरी से डिफरेंट होते हैं। प्राइमरी हीमोस्टेसिस के सिम्टम्स क्या आ रहे थे, पिटेकिया हो रहा था, और जो है नोज ब्लीडिंग हो रही थी, माउथ ब्लीडिंग हो रही थी। ये मतलब सुपरफिशियल ब्लीडिंग कह सकते हैं अगर होती है प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर। अगर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स हैं तो उसके अंदर ना जो ब्लीडिंग होगी वो हमेशा इंटरनल ब्लीडिंग्स होंगी, यानी कि ब्लीडिंग इन द जॉइंट्स, ब्लीडिंग इन द मसल्स और सर्जरीज के बाद। जबकि जो हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर्स हमने देखे थे, उसके अंदर जो माइनर कट लग जाता है सुपरफिशियली, उस पर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, पेटेकिया बन रहे होंगे, म्यूकोसल ब्लीडिंग होगी, हिमोक्टाइसिस हो जाएगा, नोज ब्लीडिंग प्राइमरी सिम्टम थे। सेकेंडरी में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, इंटरनल ब्लीडिंग्स होंगी, जैसे कि फीमेल्स है तो उनमें मेनोरेजिया हो जाएगा। मेनोरेजिया का मतलब होता है, मेनोरेजिया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फीमेल्स जो हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड बढ़ जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। तो ये इंटरनल ब्लीडिंग है हीमोफीलिया वाले पेशेंट, अगर तो दोनों एक्स लिंक खराब है तो। अगर दोनों एक्स खराब हैं तो फिर हम कहेंगे उनके अंदर होगी, एक एक्स तो खराब हो नहीं सकता ये वाला। नेक्स्ट हमारे अंदर और क्या चीज इसमें ऐड करेंगे, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग के अलावा और क्या क्या हो रही है, यस ज्वाइंट के अंदर ब्लीडिंग, देन उसके बाद कहाँ ब्लीडिंग हो रही है, मसल्स के अंदर ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग्स होंगी इसके अंदर। प्लस एक और एमसीक्यू जाएगा, सर्जरी के बाद अगर आप कोई एक पेशेंट ऐसा आता है जो सर्जरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो वो हीमोफीलिया का पेशेंट है। ठीक है, वो प्राइमरी डिसऑर्डर्स में नहीं आएगा, वो सेकेंडरी के हीमोफीलिया वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बी टाइप है, इसकी बी टाइप के अंदर क्या मौजूद है चीजें, यस इसकी बी के अंदर हमारे पास मौजूद है हीमोफीलिया जो कि डेफिशिएंसी होती है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ फैक्टर 9। तो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो हीमोफीलिया होगा हीमोफीलिया बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास हीमोफीलिया कौन सा, हीमोफीलिया सी जो कि फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई। एक और बात, जो सेकेंडरी हीमोसिस में जो हीमोफीलिया टाइप बी है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है, और इसको एक और नाम दिया गया है क्रिसमस डिजीज का। इसमें मेंशन हुआ है कि हीमोफीलिया बी जो है उसका दूसरा नाम क्या है, क्रिसमस डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हीमोफीलिया सी जो कि फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होता है, ये सबसे लीस्ट कॉमन भी है और माइल्ड, इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, माइल्ड माइल्ड से आते हैं। चलिए बात तो समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी मोडेलिटीज क्या है, लैब के अंदर क्या क्या चीजें नजर आएंगी, हम कह देंगे कि हमारा पेशेंट जो एट की फैक्टर्स की डेफिशिएंसी, तो
उसकी लैब रिपोर्ट्स में आपको प्लेटलेट्स नंबर क्या मिल रहा होगा, नॉर्मल मिल रहा होगा। अच्छा ब्लीडिंग टाइम आपको उसकी नॉर्मल मिल रही होगी बिकॉज इसका प्राइमरी तो ठीक है ना, अगर इसका प्राइमरी ठीक है तो ब्लीडिंग टाइम क्या होगी इसकी, नॉर्मल होगी। नेक्स्ट पीटी और पीटीटी आ गया। पीटी मैंने बताया था डिटेक्ट करता है, प्रोलॉन्ग आता है पीटी का, प्रोलॉन्ग आता है पीटी जब हमारे पास ब्लीडिंग कैसी हो रही हो, पीटी प्रोलॉन्ग आएगा जब एक्सटेंसिव पाथवे में डिफेक्ट होगा, और एपीटीटी यानी के एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो एपीटीटी होता है ये हमारा रेज आता है, किसके अंदर रेज आता है, इंट्रिंसिक पाथवे में अगर डिफेक्ट हो। और आपको पता है कि जो डिफेक्ट है हीमोफीलिया का, ये डिफेक्ट किसके अंदर आया हुआ है, इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट। अगर तो इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट आया इसका मतलब एपीटीटी रेज्ड आएगा, तो उसकी मोडलिटीज प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल, पीटी भी नॉर्मल होगा बिकॉज ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे तो ठीक है ना इसका। इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, खराब है बिकॉज ऑफ फैक्टर ए डिफिशियंसी, फैक्टर नाइन डिफिशियंसी और फैक्टर इलेवन। अगर फैक्टर ए की डिफिशियंसी होगी तो हीमोफीलिया ए, बी की होगी तो फैक्टर नाइन डिफिशियंसी होगी तो हीमोफीलिया बी, और अगर फैक्टर इलेवन की डिफिशियंसी होगी तो हीमोफीलिया सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है इसके अंदर, मोडलिटी हमने चेक कर ली, अब हम देखेंगे इसका इलाज ट्रीटमेंट क्या होता है हीमोफीलिया। वैसे तो कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, रिकम्बिनेंट फैक्टर एट हम इसको पेशेंट को देते हैं, क्योंकि रिकम्बिनेंट फैक्टर एट ही इसकी क्या है असल में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ठीक है, अगर तो कोई पेशेंट आता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि हम देते हैं डेस्मोप्रेसिन। बेटा डेस्मोप्रेसिन क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी डी ए वी पी भी कहते हैं, डेस्मोप्रेसिन भी कहते हैं और डी डी ए वी पी भी कहते हैं। जो डेस्मोप्रेसिन है बेटा, ये प्लेटलेट्स में से बेटा ये फैक्टर एट निकलता है, ये फैक्टर एट किसमें से निकलता है, प्लेटलेट्स में निकलता है, ये फैक्टर एट लिवर में भी बनता है, ये फैक्टर एट प्लेटलेट्स से भी निकलता है। तो जो डेस्मोप्रेसिन है ना, ये डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, प्लेटलेट्स को इंड्यूस करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा फैक्टर एट निकाले, हालांकि उसके अंदर फैक्टर एट ना नहीं बन रहा है, या बन रहा भी तो बहुत कम बन रहा है। इसके अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं, या तो बहुत कम बन रहा होगा, या जैसे कि सीवियर डिजीज होगी, मॉडरेट डिजीज होगी और माइल्ड डिजीज होगी। सीवियर डिजीज का मतलब होता है कि फैक्टर एट बन ही नहीं रहा, और मॉडरेट डिजीज का मतलब होगा बन रहा है लेकिन बहुत कम, लीस्ट काउंट में बन रहा है, जैसे कि 2-5% सिर्फ बन रहा है, और माइल्ड डिजीज के अंदर ये 50% तकरीबन बन रहा होता है। तो अगर सपोज करें माइल्ड डिजीज किसी को है, उसमें फैक्टर 8-50% तो बन रहा है ना, अगर 50% बन रहा है तो मेरा दूसरा काम क्या रह जाता है कि मैं इस 50% को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करूं, तो ऐसी मेडिसिन लगाऊं जो 50% को बढ़ा दे। तो हम क्या कोशिश करते हैं इनके अंदर, हम कोशिश ये करते हैं कि इसको हम ऐसी ड्रग्स दें, ऐसी दवाइयां दें जो क्या करें इस फैक्टर 8 की एक्टिविटी को बढ़ा दे या उसकी रिलीजिंग को बढ़ा दे, कहां से प्लेटलेट से। तो ऐसे ही करते हैं इसके अंदर, हम देते हैं इसको डेस्मोप्रेसिन, और जो डेस्मोप्रेसिन है वो क्या करता है, वो फैक्टर 8 को ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करता है, कहां से, प्लेटलेट से। तो डेस्मोप्रेसिन माइल्ड केसेस में लगाएंगे, सीवियर केसेस में हमें क्योंकि प्लेटलेट बिल्कुल ही फैक्टर 8 बन ही नहीं रहा, तो सीवियर केसेस में आप क्या देंगे, रिकम्बिनेंट फैक्टर 8 देंगे। ठीक है, और अगर हीमोफीलिया बी है तो फिर फैक्टर 9 देंगे, और हीमोफीलिया सी है तो फिर फैक्टर 11 देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था, हीमोफीलिया का सिस्टम था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो कौन सा आ रहा है, डिसएमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, हम उसकी तरफ जाते हैं, तो डिसएमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोगुलेशन स्टार्ट करेंगे। यस, तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा या फिर समझ लेके एक पेज दिखाऊंगा, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। जी, इसकी डेफिनेशन क्या है, सामने आ गई है, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन इज अ सिंड्रोम इन विच आइदर द इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और बोथ पाथवे आर एक्टिवेटेड टू प्रोड्यूस मल्टीपल फाइब्रिन क्लॉट्स इन स्मॉल ब्लड वेसल। मतलब मैं आपको वैसे ओवरऑल बता दूं, उसके ये जो डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन डिजीज है हमारे पास, इसमें ना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्टिवेटेड होंगे। वो देखेंगे वजह क्या होती है इनकी, वजह की तरफ तो नेक्स्ट में जाएंगे हम, लेकिन इतना याद रखना है कि ये वो वाली बीमारी, अगर उसको पेशेंट आता है और आपने देखा यार उस पेशेंट का इंट्रिंसिक पाथवे भी क्या आ रहा है, एक्टिवेटेड आ रहा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे भी एक्टिवेटेड आ रहा है, आप कैसे डर लगाएंगे भाई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है उसका एक्टिवेटेड है। हमने बताया था पीटी और एपीटीटी से कि अगर इंट्रिंसिक पाथवे में कोई इशू आएगा तो एपीटीटी रेज मिलेगा, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई इशू आएगा तो हमारा पीटी रेज मिलेगा। तो आपने देखा पेशेंट आया, अपनी लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट देखे, लैब टेस्ट में पता लगा आपको इसके भाई पीटी भी रेज है, एपीटीटी भी रेज है, अगर दोनों रेज है तो 100% श्योरिटी बीमारी कौन सी, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, अगर दोनों रेज हो तो ये हमारी जो डिसऑर्डर है ये वाइड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है दोनों मोडालिटीज क्या होती है,
हमारी इंक्रीज जाती है, पीटी भी और एपीटीटी भी इंक्रीज जाती है, ठीक है। और ब्लीडिंग टाइम तो आएगा आएगा प्रोलॉन्ग, क्योंकि इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे भी क्या हो गया है, इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, इसके कॉजेस पे चले जाते हैं। यस, तो इसके कॉजेस में हमारे पास क्या क्या है, जी आ गया सामने आपके स्क्रीन पर, आ गई होगी बेटा जी। सो इस बेटा इसके अंदर सबसे पहली चीज तो क्या है, इसके आ जाए पहली लाइन से कि इस बीमारी में होता क्या बेटा, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर ही माइक्रोथ्रोम्बाय बनना शुरू हो जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर ही, इसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर ही माइक्रोथ्रोम्बाय बनना शुरू हो जाते हैं। उसे रीजंस लिखे हैं, क्या क्या रीजन लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है पहले बी पार्ट में आ जाए, ए पार्ट को मैं समझाता हूँ बाद में, पहले बी पार्ट में आ जाए। इसमें जो बी में लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज और ऑलमोस्ट ऑलवेज सेकेंडरी टू अनदर डिजीज प्रोसेस, हमेशा किसी दूसरी डिजीज की वजह से बीमारी शुरू होती है। जैसे कि बोला ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिंग इन द अम्नियोटिक फ्लूइड एक्टिवेट्स कोगुलेशन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिंग क्या होता है, ये वही है जो एक्सटेंसिव पाथवे को एक्टिवेट करवाने के लिए चाहिए। ये हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर होता है, नॉर्मल टिश्यू के अंदर होता है, जब वो टिश्यू की ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिंग निकलता है, जो फैक्टर जो एक्सटेंसिव पाथवे को क्या करवाता है, एक्टिवेट करवाता है। ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिंग जो असल में इसको फैक्टर 7 भी कहते हैं, तो ये भी एक्सटेंसिव पाथवे को एक्टिवेट करवाएगा। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिंग एम्नियोटिक फ्लूइड में आएगा कहाँ से, जब बेटा कोई बेबी बन रहा है तो उसमें नए सेल बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो जब नए सेल कुछ सेल टूट जाते हैं तो वो टूटे हुए सेल्स जो एम्नियोटिक फ्लूइड में आते हैं, जब वो टूटे हुए सेल्स एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर आएंगे तो एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिंग भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिंग ज्यादा हो जाएगा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिंग क्रॉस करेगा प्लासेंटा से और फीमेल बॉडी में जाएगा, और फीमेल बॉडी के ब्लड में जाकर क्या एक्टिवेट करवा देगा, यस एक्सटेंसिव पाथवे को। और जैसे एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट होगा तो इंटरनल थ्रोम्बाय बनना शुरू हो जाएंगे, किसके ब्लड के अंदर ही, क्योंकि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिंग एक्टिवेटर है किस चीज का, यस एक्सटेंसिव पाथवे का। नेक्स्ट पार्ट नंबर टू में क्या कह रहा है, सेप्सिस, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जो सेप्सिस में ई कोलाई होते हैं, या एक और बंदा आ गया नाइजीरिया मेनिनजाइटिस। तो बेटा एक और पेशेंट अगर आपके पास आता है, हिस्ट्री लेके आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है वो, अगर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाला पेशेंट है, क्योंकि उसमें गोनोरिया होगा और गोनोरिया आपको पता है कौन करवाता है, नाइजीरिया गोनोरिया करवाता है, ठीक है। इस तरह से नाइजीरिया के एक और स्पीशी है नाइजीरिया मेनिनजाइटिस, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस जो आपने सेकंड ईयर में कल माइक्रो अगर पढ़ी हो तो उसके अंदर आपको पता होगा, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस दोनों ही क्या निकालते हैं, एंडोटॉक्सिन निकालते हैं, ईकोलाई भी और नाइजीरिया मेनिनजाइटिस। इनके जो एंडोटॉक्सिन होते हैं उनका काम ही क्या होता है, एक्टिवेशन करवाना, किसकी एक्टिवेशन करवाना, एंडोथेलियल सेल्स को, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जो टिश्यू फैक्टर्स है उनको क्या करवा देना, एक्टिवेट करवा देना। एंडोटॉक्सिन जब भी जाके एंडोथेलियल सेल्स के टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करवाएंगे तो एक्सटेंसिव पाथवे क्या हो जाएगा, यानी एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट होगा वैसे ही अंदर माइक्रोथ्रोम्बाय बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एडिनोकार्सिनोमा बेटा, नेक्स्ट कॉज है हमारा। उसके बाद क्या है, एक और हमारे पास ल्यूकीमिया है, एक्यूट प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। जब हमारा ल्यूकीमिया का टॉपिक आएगा तो उसमें, और जो हमारे कैंसर वाले टॉपिक आएंगे तो उसमें मैं मजीद बता दूंगा एडिनोकार्सिनोमा किस तरह से कॉज करता है, और क्योंकि बहुत लंबी थ्योरी है। और एक्यूट प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया की बहुत सारी टाइप है, कोई 9 से 12 कुछ टाइप्स हैं ल्यूकीमिया की। उनमें से जो ल्यूकीमिया करवा रहा है डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, वो कौन सा वाला करवा रहा है, एक्यूट प्रो माइलोसाइटिक, एक्यूट प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। बाकी कुछ लिखा हुआ वेनम एक्टिवेट, वेनम जो है वो भी एक्टिवेट करवाते हैं कोगुलेशन का, वो स्नैक का नाम रखा हुआ है, रटल स्नैक बाइक बाइट है जो कि क्या करवा रहा होता है, कोगुलेशन एक्टिवेट करवाता है। ये भी एक्सटेंसिव पाथवे, जो अभी तक हमने जो भी चीज़ देखी है सारी एक्सटेंसिव पाथवे की एक्टिवेशन थी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सारी की सारी वो चीज़ें जो कि एक्टिवेट करवा रही हैं एक्स्ट्रा वास्कुलर कह रहा हूँ एक्सटेंसिव पाथवे को, ठीक है। इसमें से एक और चीज़ है कि जहाँ कहीं भी वो होगी जो एंडोटॉक्सिन होता है, वो एंडोटॉक्सिन सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव पाथवे को एक्टिवेट नहीं करवा रहा होता है, ये एंडोटॉक्सिन जो है वो ब्लड सेल्स की भी इंजरी कर रहा होता है। ब्लड सेल्स से मुराद ये है कि जहाँ कहीं भी ये ई कोलाई के टॉक्सिन होते हैं, इनके खिलाफ हमारे डब्ल्यूबीसी जब काम करते हैं तो वो भी ब्लड वेसल को क्या कर रहे होते हैं, मिलकर डैमेज कर रहे होते हैं। जहाँ से ब्लड वेसल डैमेज होगी वहाँ से क्या होगा, ब्लड निकलना शुरू होगा तो इंट्रिंसिक पाथवे का स्टार्टअप हो जाएगा, तो इंट्रिंसिक पाथवे भी एक्टिवेट हो जाएगा इस वजह से, बिकॉज ऑफ एंडोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन जो है एक्सटेंसिव भी एक्टिवेट करवा सकता है, एक्सटेंसिव भी एक्टिवेट करवा सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अच्छा इसमें बता दिया मैंने प्लेटलेट्स काउंट कम क्यों आ रहे हैं इसमें। अच्छा, प्लेटलेट्स काउंट इसलिए कम आते हैं क्योंकि आप सपोज करें अगर एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट है या इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट है, जो सा भी पाथवे एक्टिवेट है वो थ्रोम्बस बनवाएगा। अब जो भी थ्रोम्बस बनवाएगा, थ्रोम्बस बनाने के लिए प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, तो प्लेटलेट्स क्या होंगे, हमारे कंज्यूम होंगे, और अगर हमारे प्लेटलेट्स कंज्यूम होंगे तो प्लेटलेट्स की तादाद क्या हो जाएगी, ब्लड में कम आ जाएगी। तो इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, जो डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, इसमें प्लेटलेट्स काउंट क्या आएगा, आपका कम आएगा।
पीटीटी और पीटीटी दोनों रेज आप देख रहे हैं बेटा इसके अंदर, क्या है पीटीटी और एपीटीटी दोनों रेज आ रहे हैं। अगर दोनों इसके अंदर रेज आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, बीमारी ऐसी है जिसके अंदर इंटेंसिक और एक्सटेंसिक दोनों पाथ पे क्या हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, एक और चीज बेटा, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया क्यों हो रहा है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब भी एंडोटॉक्सिन होता है वो एंडोटॉक्सिन क्या कर रहा होता है, माइक्रोथ्रोम्बाई जो बनाता है, ये माइक्रोथ्रोम्बाई के कॉर्नर्स जो होते हैं, एजेस जो होते हैं, यहाँ से टकराता हुआ जाता है आपका रेड ब्लड सेल। जब यहाँ से रेड ब्लड सेल क्या जाएगा, टकराता हुआ जाएगा, तो रेड ब्लड सेल फट जाएंगे, जब फट जाएंगे तो हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, एक और बात है, अब लिखा हुआ बेटा एलिवेटेड फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली डी डिमर्स। अच्छा, डी डिमर्स या फिर डी डाइमर्स किसे कहते हैं, दो तरह के हमारे पास चीज होती है, एक होता है फाइब्रिनोजिन, एक होता है फाइब्रिन। फाइब्रिनोजिन जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, फाइब्र ये जो हमारे वो वाले प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। एक हमारे पास फिब्रिन या फाइब्रिन, फाइब्रिन क्या बेटा एक ऐसी बीमारी है हमारे पास, एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर यस फाइब्रिन एक्टिवेटेड फॉर्म है फाइब्रिनोजिन की। तो अगर फाइब्रिन एक्टिवेटेड फॉर्म में है तो वो क्या करवाता है, सेकेंडरी इम्यूनसिस को स्ट्रॉन्ग करता है, सेकेंडरी इम्यूनसिस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर हम सपोज करें हमारा जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन नॉर्मली जब एक हमारी हिमोसिस हो जाती है तो हम इस फाइब्रिन को ब्रेक करते हैं ताकि वहां से वो जो जो भी जगह है उस जगह को सफाई कर सके, फाइब्रिन हटा सके। तो फाइब्रिन हटाने के लिए, फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है फिब्रिनोलाइसिस। तो वो फिब्रिनोलाइसिस जिस तरह से थ्रोम्बाई बनते जाएंगे, फाइब्रिन भी एक्टिवेट होता जाएगा, जब ज्यादा फाइब्रिन एक्टिवेट होगा तो हमारा एंटी फाइब्रिन सिस्टम ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा फाइब्रिन को ब्रेक करने वाला सिस्टम हमारी बॉडी स्टार्ट कर देगी। तो फाइब्रिन के प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, जो फाइब्रिन के प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइब्रिन के प्रोडक्ट मतलब फाइब्रिन की ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं डी डाइमर्स। तो ये याद रखना है, इस डिजीज के अंदर जितनी स्पीड से फाइब्रिन बन रहा होगा उतनी स्पीड से ही हमारा जो एंटी फाइब्रिन सिस्टम है वो भी एक्टिवेट होगा और इस फाइब्रिन को क्या करेगा, ब्रेक करता जाएगा। अगर तो इस फाइब्रिन को ब्रेक करेगा तो वो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स का क्या कहोगे आप, डी डाइमर्स कहेंगे। ठीक है, और ये डी डाइमर्स अगर आपको मिल रहा है तो कंफर्मेशन है कि बीमारी कौन सी हुई है पेशेंट को, यस बीमारी हुई है डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, तो बेटा इसमें ये लिखा हुआ है, अगर आगे बढ़े, एलिवेटेड फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली डी डिमर्स, एलिवेटेड डी डिमर्स इज द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डीआईसी, मैंने पहले बता दिया आपको। आगे वो बता रहा है उसकी डेफिनेशन, ड्राइव फ्रॉम स्प्लिटिंग क्रॉस लिंक फाइब्रिन, फाइब्रिन का ही जो प्रोडक्ट होता है टूटा हुआ उसी को आप क्या कहते हो, डी डिमर्स कहते हो। और आगे बता रहा है, मेंशन भी कर रहा है, डी डिमर इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन के ब्रेक डाउन से नहीं बनता डी डिमर्स, डायडिमर्स या डी डिमर्स किसकी वजह से बनते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन की वजह से बनते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फाइब्रिन की वजह से बनते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट पे आते हैं हमारे, इसकी जो ट्रीटमेंट है बेटा वो ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं, एक्सटेंसिव पाथवे इन्वॉल्व है और तो हम इसमें क्या देंगे बेटा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों इन्वॉल्व है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हमारा वो प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट्स के अलावा, वो प्लाज्मा से हम क्या निकालते हैं, कोगुलेशन फैक्टर्स निकालते हैं, वो जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इन पेशेंट्स में वैसे ही क्या क्या हो रहा होता है, जो एक्टिवेशन होने की वजह से ज्यादा इनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो हम इसमें जो सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं कौन से ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अच्छा, इन सबसे पहले आपने पता क्या करना, अगर आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देने जा रहे हैं उससे पहले आप क्या करेंगे, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है उसको आप क्या करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे। सपोज करें अगर किसी के सेप्सिस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एंडोटॉक्सिन बॉडी में ज्यादा बन रहे हैं, तो आप पहले सेप्सिस को रिमूव करने के लिए एंटीबायोटिक वगैरह लगाकर सेप्सिस खत्म करेंगे आप पहले। ठीक है, तो पहला काम ये करना है, अंडरलाइन कॉज आपने ठीक करना है, देन उसके बाद आप ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, इसके अलावा क्या लगा सकते हैं, प्लेटलेट्स, इसके अलावा अगर लगाया जाए तो प्रोटीन सी भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, प्रोटीन सी। लेकिन याद रखना सबसे पहली चीज क्या है इसकी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, जिस कॉज की वजह से ये एक्टिवेशन हुई है उस कॉज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर किसी ल्यूकेमिया की वजह से हुआ तो ल्यूकेमिया को पहले क्या करेंगे, हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से तो वो करने की कोशिश करेंगे पहले। ठीक, पहले अंडरलाइन कॉज को हम ट्रीट करेंगे, देन उसके बाद हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे, या अच्छा इसमें जो लफ्ज आ रहा है क्रायोप्रेसिपिटेट, क्रायोप्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट का मतलब होता है सिर्फ चार चीज होंगी। देखो, हमने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो निकाला था ब्लड से उसके अंदर सारे कोगुलेशन फैक्टर्स थे, ठीक है, और फाइब्रिन भी था फाइब्रिनोजिन के फॉर्म में। लेकिन जो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट हम किससे निकालते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से निकालते हैं।
और क्रायोप्रेसिपिटेट में सिर्फ चार चीजें होती हैं, फैक्टर 13, फैक्टर 8, फाइब्रिनोजेन या फिर फाइब्रिन कह लें, ठीक है, और फैक्टर 5। ये चीज होती है हमारी इसके अंदर क्रायोप्रेसिपिटेट में, फैक्टर 8, फैक्टर 13, फाइब्रिनोजेन एंड फैक्टर 5। और सम टाइम इसमें वॉन विलब्रेंड फैक्टर भी हम इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं? वॉन विलब्रेंड फैक्टर। ये मैं कह सकता हूँ कलेक्टिवली क्या पढ़ते हैं उसको आप क्रायोप्रेसिपिटेट पढ़ते हैं। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट में फर्क क्या है? तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है इसमें सारे कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, जबकि क्रायोप्रेसिपिटेट जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में से हम कुछ चीजों को निकालते हैं। और कौन कौन सी चीजें होती हैं? यस, वो बता दी मैंने, फैक्टर 13, फैक्टर 8, फैक्टर 5, फिब्रिनोजिन एंड वॉन विलब्रेंड फैक्टर जो हम इंक्लूड करते हैं समटाइम, ठीक है, ये क्रायोप्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर इंटरवास्कुलर कोगुलेशन क्या हो गई, खत्म। नेक्स्ट हमारे पास जो बीमारी वो है कौन सी? वॉन विलब्रेंड डिसऑर्डर या वॉन विलब्रेंड डिजीज, ठीक है। अच्छा, इस बीमारी में क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड को चेंज कर लूं। जी, आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि वॉन विलब्रेंड फैक्टर कौन सा फैक्टर होता है। ये वो फैक्टर है जब कहीं से इंजरी हुई थी, क्या हुई थी कहीं से इंजरी, तो सबसे पहले इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स में से, हमारे इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स थे उसमें से क्या बाहर निकल के आया था? वॉन विलब्रेंड फैक्टर, जो कि हमारे नीचे एंडोथेलियल के साथ जाके स्टिक कर गया था। जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स जाके स्टिक करता है वॉन विलब्रेंड फैक्टर, उसके पास वॉन विलब्रेंड फैक्टर से अटैच होते हमारे प्लेटलेट्स, क्योंकि यहाँ से ब्लड, जब ब्लड निकल रहा होगा तो उसके साइडों में क्या लगा हुआ होगा? उसके साइडों में लगा होगा क्या, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि, ये साइडों में क्या लगा होगा? वॉन विलब्रेंड फैक्टर लगा हुआ होगा। जब ब्लड यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो प्लेटलेट्स आएंगे और प्लेटलेट्स इस वॉन विलब्रेंड फैक्टर से क्या क्या करते हैं, एक्टिवेट, अटैच हो जाते हैं। जैसे इस वॉन विलब्रेंड फैक्टर के साथ अटैच होंगे तो प्लेटलेट्स आपस में अटैच होना शुरू होते हैं। प्लेटलेट्स अटैच होते थे वॉन विलब्रेंड फैक्टर से ग्लाइकोप्रोटीन GP1B से, और यही प्लेटलेट्स आपस में चिपकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A से, ठीक है। तो अगर वॉन विलब्रेंड फैक्टर डेफिशिएंट है तो प्लेटलेट्स अटैच ही नहीं होंगे। जब अटैच नहीं होंगे, क्योंकि वॉन विलब्रेंड फैक्टर है ही नहीं, अटैच नहीं होंगे तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे। जब वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपस में गैदर भी नहीं होंगे और ब्लीडिंग की टाइम क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉन विलब्रेंड फैक्टर के क्या क्या काम होते हैं, उसे बहुत सारे काम है। एक काम तो है कि एंडोथेलियम के साथ ये अटैच होता है और प्लेटलेट्स को अपने साथ लगा लेता है ग्लाइकोप्रोटीन 1B के जरिए। दूसरा काम क्या होता है इसका, जैसे ही प्लेटलेट्स इसके साथ अटैच होते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो अपने ऊपर एक्सपोज करवाते हैं कुछ फैक्टर्स GP2B3A, और GP2B3A से दोनों बहुत सारे प्लेटलेट्स क्या कर जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, प्लेक बन जाता है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, एक और बात, इतना जो वॉन विलब्रेंड फैक्टर है ना, ये प्रोटेक्ट करता है डिग्रेड होने से फैक्टर 8 को भी। इसका मतलब अगर सपोज करें वॉन विलब्रेंड डेफिशिएंट है तो फैक्टर 8 भी इजीली क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर डिग्रेड हो जाएगा। इसको बचाने के लिए क्या रखा था हमारी बॉडी में? वॉन विलब्रेंड फैक्टर। तो एक काम और इसका ये भी है वॉन विलब्रेंड फैक्टर का, कि वो क्या करता है, फैक्टर 8 को प्रोटेक्ट करता है। अगर तो वॉन विलब्रेंड नहीं मौजूद है, डेफिशिएंट है, तो फैक्टर 8 भी क्या होगा हमारा, प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, और ये प्रोटेक्ट नहीं रहेगा। तो अगेन याद रखना, फैक्टर 8 इज द पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। तो आप याद रखना, इस बीमारी के अंदर, वॉन विलब्रेंड डिजीज के अंदर होगा क्या, APTT रेज्ड आएंगे, PT रेज्ड नहीं आएगा। APTT क्यों रेज्ड आएगा? क्योंकि APTT किसको बताता है? इंट्रिंसिक पाथवे को बता रहा होता है। तो एक बात याद रखनी है, इसके अंदर PT रेज्ड नहीं आएगा, APTT रेज्ड आएगा। ब्लीडिंग टाइम इसमें आएगी प्रोलॉन्ग, बिकॉज प्लेटलेट्स जाया होगा सारे के सारे इसके अंदर, प्लेटलेट्स एक्टिवेट ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी हेरिडिटी। एक और पेपर में एमसीक्यू आता है, वो कौन सी बीमारी है जो कि सबसे ज्यादा होती है हेरिडिटी? लोग हीमोफीलिया लगा के आ जाते हैं। हीमोफीलिया इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन हेरिडिटी डिसऑर्डर। वॉन विलब्रेंड फैक्टर, वॉन विलब्रेंड डिजीज इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये एमसीक्यू याद रखना, हीमोफीलिया सेकेंड मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। वॉन विलब्रेंड डिजीज जो है वो क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सी होगी? हीमोफीलिया होगी, ठीक है। बट इसकी भी तीन टाइप्स होती हैं, Type 1, Type 2, Type 3। Type 1 सबसे ज्यादा कॉमन होती है, अगेन ये एमसीक्यूज पॉइंट, Type 1 सबसे ज्यादा कॉमन होती है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। Type 2 बहुत कम, और Type 3 तो ना होने के बराबर। पेपर में एमसीक्यूज एक और आता है कि Type 3 जो है वो किस वजह से होती है, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। शुरू वाली जो दो है, Type 1 और Type 2, दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट है।
तो टाइप थ्री है ये, क्या हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। चले इसके मोडलिटीज क्या देखेंगे इसके अंदर, अच्छा जितने भी हम डिजीज पढ़ रहे हैं उनके सिम्टम्स तो सेम ही होंगे। क्या क्या सिम्टम्स हैं भाई, इंटरनल ब्लीडिंग्स होंगी, जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग होगी, और जो हमारे मसल्स है उसमें ब्लीडिंग होगी, और आफ्टर सर्जरी के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फीमेल्स अगर उनमें अगर है तो क्या होगा, मेनोरेजिया हो रहा होगा, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स आएंगे सेकेंडरी का। तो इन पेशेंट्स में पीटीटी यानी एपीडीटी क्या आएगा, रेज्ड आएगा, पीटी क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग आएगी, ठीक है। दूसरी और वॉन विलब्रेन फैक्टर की डेफिशिएंसी आ रही होगी जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे इसके, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब इसकी जो है ट्रीटमेंट क्या है, इसके स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के, जिस तरह हमने पहले देखे थे हीमोफीलिया के भी स्टेप्स थे, माइल्ड डिजीज में क्या दे रहे थे डेस्मोप्रेसिन, और सीवियर डिजीज में हम रिकमेंडेड फैक्टर 8 दे रहे थे, जबकि इसमें भी इस तरह से हम करेंगे। माइल्ड ब्लीडिंग अगर हो रही है तो आप डेस्मोप्रेसिन देंगे, अगर हम पहले भी बता चुके हैं कि डेस्मोप्रेसिन क्या है बेटा, इंड्यूसर है, क्या है इंड्यूसर, एक तो प्लेटलेट्स इंड्यूस करवा के फैक्टर 8 को निकलवाता है, ठीक है। यही डेस्मोप्रेसिन जो है वो एंडोथेलियल सेल्स को भी इंड्यूस करता है और उनमें से क्या निकलवाता है, वॉन विल ब्रेन फैक्टर को रिलीज करवाता है। तो सपोज करें अगर कोई किसी की माइनर डिजीज है, अगर किसी की कौन सी डिजीज है, माइनर डिजीज है, तो माइनर डिजीज में क्या होगा, माइनर डिजीज के अंदर लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा वॉन विल ब्रेन फैक्टर का, तो उसमें हम डेस्मोप्रेसिन लगवा के क्या करवा सकते हैं, एंडोथेलियल सेल से रिलीज करवा सकते हैं वॉन विल ब्रेन फैक्टर को, ठीक है। जबकि अगर सीवियर डिजीज हो रही हो तो आप सीवियर डिजीज में आप क्या करते हैं, पहली बात तो वॉन विल ब्रेन फैक्टर आप देंगे उसको पेशेंट को, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप उसको क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे, ठीक है। क्योंकि क्रायोप्रेसिपिटेट में मैंने बता दिया था क्या क्या चीजें होती हैं, फैक्टर 8, फैक्टर 13, फाइब्रिनोजिन, वॉन विल ब्रेन फैक्टर, फैक्टर 5, ये चीजें मौजूद है किसके अंदर, क्रायोप्रेसिपिटेट में, तो वो देंगे तो उसमें वॉन विल ब्रेन फैक्टर पहले से शामिल होगा। या आप साथ दो चीजों को मिलाकर दे सकते हैं, फैक्टर 8 प्लस वॉन विल ब्रेन डिजीज, सॉरी फैक्टर 8 एंड वॉन विल ब्रेन फैक्टर, ये दोनों को मिलाकर दे सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्रायोप्रेसिपिटेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको इजीली अवेलेबल है वो फैक्टर 8 जो, और जो हमारे पास ये क्रायो जो वॉन विल ब्रेन फैक्टर, ये दोनों क्या इजीली अवेलेबल नहीं होते। इसे क्रायोप्रेसिपिटेट को हम क्योंकि हम डायरेक्ट निकालते हैं ब्लड से, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से निकालते हैं, तो हमें सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, अलग अलग निकालने में परेशानी है, ठीक है। बाकी ये था हमारा कौन सा वाला, वॉन विल ब्रेन डिजीज, जिसमें फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से, वॉन विल ब्रेन फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास सिम्टम्स आते हैं। इसमें दो तीन चीजें मैं फिर से हाईलाइट कर दूं, क्या क्या हाईलाइट, इसमें पॉइंट कौन कौन सा हाईलाइट याद रखने, सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है इसके अंदर, इसमें सिर्फ पीटीटी रेज जाएगा, यानी कि एपीटीटी रेज जाएगा, इंटेंसिव पाथ इन्वॉल्व होगा, और इंटेंसिव पाथ इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, बिकॉज वॉन विल ब्रेन फैक्टर फैक्टर 8 को प्रोटेक्ट करता था, अगर वॉन विल ब्रेन डेफिशिएंट है तो फैक्टर 8 भी खराब हो जाएगा, प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, और फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होना शुरू जाएगी, बिकॉज वो डिग्रेड होगा ब्लड के अंदर। तो इंटेंसिव पाथ में हमारा इन्वॉल्व हो गया, तो हमारा एपीटीटी इसमें रेज जाएगा, इंक्रीज जाएगा, पीटी हमारा क्या आएगा इसके अंदर, नॉर्मल आएगा, वॉन विल ब्रेन फैक्टर हमारा डिक्रीज आएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल आएंगे, ब्लड प्लेटलेट्स पे कोई असर नहीं है इसका। दूसरा ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग आएगी, ठीक है, ये सारी चीजें नजर आएंगी सिम्टम्स में। तो हम और ये इट इज द मोस्ट कॉमन हेरिडिटी डिसऑर्डर है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कौन सा हमारा, हीमोफीलिया है, ठीक है भाई। और इसके अलावा हमारे पास एक और बीमारी है जिसे कहते हैं हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आसान है, हमारा हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता क्या है, इसको हम एच क्या कहते हैं, एच आई टी, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसके अंदर बेटा हेपरिन आपको पता है एंटीकोगुलेंट है, हेपरिन जो है वो फैक्टर 8 को एक्टिवेट नहीं होने, फैक्टर 8 क्या, सॉरी फैक्टर 10 को एक्टिवेट नहीं होने देता, एक्टिवेट नहीं होने देता। फैक्टर 10 असल में क्या काम करता है, फैक्टर 10 कॉम्प्लेक्स बनाता है फैक्टर 9, 8, 5 के साथ मिलकर, जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करवाता है थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन हमारे जाकर सेकेंडरी हीमोसिस के अंदर फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट करती थी फाइब्रिन के अंदर, ये लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ है। तो अगर फैक्टर 10 ही नहीं होगा तो समझ लें कि फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में एक्टिवेट नहीं होगी, सेकेंडरी हीमोसिस नहीं हो पाएगी। तो जो हेपरिन है ये असल में पेपर एमसीक्यू आता है, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है तो उसका सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज क्या है उसकी बॉडी में कोगुलेशन डिसऑर्डर होने के, तो वो हॉस्पिटल इंड्यूस्ड हम कहते हैं इसको असल में, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का एक और नाम क्या है, हॉस्पिटल इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल पेशेंट पर ही अक्सर क्या लगा रहे होते हैं, हेपरिन लगा रहे होते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई एमसीक्यूज आपके पास के व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, तो आपका जवाब होगा हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, इस तरह से एमसीक्यू आएगा।
सो नेक्स्ट हमारे पास एक तो है ये वाली हो गई। अच्छा इसके अंदर आप ट्रीटमेंट क्या देंगे? इसकी ट्रीटमेंट ये होगी कि आप हेपरिन जितना भी आपने दिया हुआ है उतना ठीक है, जितना आगे मजीद आप हेपरिन को नहीं देंगे अगर उसके अंदर सिम्टम आना शुरू हो जाए। ठीक है, हमारी क्लास अब यहीं तक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, इस ग्रुप में भी और आपके बैच ग्रुप में भी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।